आज हम बनाएंगे स्लाइस वाले बैंगन। और इसके लिए हमें मसाले चाहिए हैं, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, अमचूर पाउडर और धनिया। इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। और कटे हुए बैंगनों पर जो है उसे हम इस तरह से कोट कर देंगे। हम सभी बैंगनों पर हमने ये सारे मसाले लगा दिए हैं। अब एक फ्राई पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इस कटे हुए अपने जो है बैंगन उनको इस तरह से रख देंगे। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, तभी आपको इसका टेस्ट पता लगेगा। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इस तरह से हमने सारे बैंगनों को सेट कर दिया है और इसको 2 मिनट के बाद जो है हमने कुछ इस तरह से पलट दिया है। ये सारे बैंगन हमने पलट दिए हैं। दूसरी तरह से भी हमने इसको पलट दिया है। ये इस तरह से टूट गया है तक, क्योंकि ये जो है पूरी तरह पक चुका है। तो इसको सावधानी से पलटें और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें।